बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शोरिंग नॉलेज पे। आज का मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। प्रमुख नदियाँ हिमाचल प्रदेश में सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और यमुना। सतलुज नदी को वेदों में शुतोत्री तथा संस्कृत में शतत के नाम से वर्णित किया गया। सतलुज के अन्य जो नाम हैं मुखसंग, संपू, जुगटी, समुद्र तरंग, चुतुरता आदि हैं। सतलुज नदी कैलाश पर्वत के दक्षिण में मानसरोवर के मंतलाई झील तिब्बत से निकलती है। यह नदी अपनी उद्गम स्थान से 400 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद जास्कर और बृहद हिमालय को काटती हुई शिपकी दर्रे के पास हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। महत्वपूर्ण है, सतलुज नदी किन्नौर जिले को दो भागों में बांटती है। बाद में लगभग 130 किलोमीटर बहने के बाद बदला ज्यूरी नमक स्थान पर शिमला जिले में प्रवेश करती है। सतलुज नदी वीधार, मंडी तथा कसाली बिलासपुर जिले में प्रवेश करती है। यह नदी ऊना के समीप हिमाचल प्रदेश को छोड़कर नगर पंजाब में बहती है। सतलुज की जो सहायक नदियां हैं, किन्नौर जिले में सतलुज के दाईं ओर से स्पीति, तेजर, तैती, काशंग, मुलगुन, बांगर, शोरंग और रूपी तथा सतलुज के बाईं ओर तिरंग, ज्ञानथिंग, वास्पा आदि सतलुज की सहायक नदी हैं। किन्नौर जिले में सतलुज की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है स्पीति है, जो कि नामख्या नमक स्थान पर इसमें मिल जाती हैं। सतलुज के मुख्य जो तथ्य है, वैदिक नाम की बात की जाए, चतुर्दी है, उद्गम स्थान है राकस्ता झील, यह है तिब्बत में जानी जाती है लेनगोजेंगपो के नाम से जानी जाती है। जल अधिग्रहण क्षेत्र है 20,398 वर्ग किलोमीटर। कुल लंबाई की बात की जाए 1488 किलोमीटर, प्रदेश के सबसे लंबी नदी कहा जा सकता है। यह नदी खूनी नदी के नाम से भी जानी जाती हैं। एशिया का सबसे ऊंचा बांध बाकड़ा बांध भी इसी नदी पर बनाया गया है। बाकड़ा बांध बनाने से प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील बनी है। 1964 में इस नदी पर एशिया का सबसे ऊंचा पुल कंदरोर नामक स्थान पर बनाया गया है। इस पुल की लंबाई 280 मीटर वो ऊंचाई 80 मीटर और 7 मीटर चौड़ा है। इसके किनारे तत्ता पानी का गर्म पानी का जो चश्मा है वो भी स्थित है। दूसरी आ गई हमारे पास ब्यास नदी। ब्यास नदी वेदों में अर्जकीय और संस्कृत में विपाशा के नाम से वर्णित है। अर्जकीय और विपाशा के नाम से वर्णित यह नदी पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से रोहतांग के समीप सिकंड में निकलती है। ब्यास नदी के दो स्रोत हैं ब्यास ऋषि और ब्यास कुंड। ब्यास नदी का जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 13,663 वर्ग किलोमीटर है। इस नदी की कुल लंबाई की बात की जाए 460 किलोमीटर है, जबकि हिमाचल प्रदेश में इसकी लंबाई लगभग 256 किलोमीटर है, जो सतलुज के बाद सबसे ज़्यादा है। ब्यास की जो सहायक नदियाँ हैं कुल्लू जिले में पार्वती, पिन, मलाना, नाला, सोलंग, मनालस, फौजल और सरवारी इसकी सहायक नदियाँ हैं। मंडी जिले में उल्ह, जीवनी, रमाबीना, हंसा, तीर्थन, बागली, सुकेती, पनौड़ी, जिसोन और बड़ेड़ इसकी सहायक नदियाँ। हमीरपुर में कुन्हा और मान तथा कांगड़ा में बिनावा, न्यूगल, बाणगंगा, बनेर, गज, मनोनी व चक्की इसकी सहायक नदियाँ हैं। ब्यास नदी के जो मुख्य तत्व हैं वैदिक नाम अराजकीय हैं, संस्कृत जो नाम है विपाशा है, उद्गम स्थान ब्यास कुंड रोहतांग दर्रे के निकट हैं, जल अधिग्रहण क्षेत्र 13,663 वर्ग किलोमीटर है, कुल लंबाई की अगर बात की जाए 460 किलोमीटर है, हिमाचल प्रदेश में लंबाई 256 किलोमीटर है। सबसे बड़ी सहायक जो नदी है इसकी पार्वती नदी। ब्यास नदी नीरथल नामक स्थान पर पंजाब में प्रवेश करती है। रावी नदी का वैदिक नाम पुरुषणी, संस्कृत नाम इरावती है। यह नदी धौलाधार पर्वत श्रृंखला के बड़ा बंगाल क्षेत्र के मंदहाल और तंदागिरी नामक दो हिमखंडों से निकलती है। स्थानीय भाषा में इसे रोती भी कहते हैं। इस नदी का कुल जल अधिग्रहण जो है क्षेत्र है 5,528 किलोमीटर है। इसकी कुल जो लंबाई है 720 किलोमीटर और हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो 158 किलोमीटर है। रावी की सहायक जो नदी बोधिल, टुणहेदन, बलजेड़ी, साल और सियोली इत्यादि है। रावी नदी की मूल धारा बड़ा बंगाल से निकलकर चुरहा के निचले क्षेत्र को चौड़ा नामक स्थान पर विशाल नदी का रूप धारण करती है। रावी नदी के जो मुख्य तत्व है वैदिक नाम पुरुषणी है, संस्कृत नाम इरावती है, उद्गम स्थान बड़ा बंगाल कांगड़ा है, जल अधिग्रहण की बात की जाए तो 5,528 वर्ग किलोमीटर है, कुल लंबाई है 720 किलोमीटर, हिमाचल प्रदेश में 158 किलोमीटर। यह नदी पीर पंजाल श्रेणी को धौलाधार श्रेणी से अलग करती है। अलेक्जेंडर ने इसे रुहाड़िस कहा है। चिनाब नदी को वेदों में असिकनी के नाम से भी वर्णित है। इसका उद्गम बृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारह लांचा दर्रे 4,891 मीटर की ऊंचाई में होता है। चिनाब नदी चंद्रा और भागा दो नदियों के संगम से बनती है। चंद्रा नदी चंद्रताल तथा भागा नदी सूरज ताल से निकलती है, इसलिए यह नदी चंद्रा भागा के नाम से भी
प्रसिद्ध है। यह नदी लाहौल के तांडी नामक स्थान में मिलती है। पानी के तत्व घनत्व के आधार पर यह नदी हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। इस जल ग्रहण क्षेत्र 1850 वर्ग किलोमीटर है तथा इसकी कुल लंबाई की बात की जाए 1200 किलोमीटर है, अपितु हिमाचल प्रदेश में इसकी लंबाई 122 किलोमीटर है। चिनाब नदी के जो मुख्य तटीय हैं, वैदिक नाम अस्सिकनी, उद्गम स्थान है बारालंचादारा और कुल जो लंबाई की बात की जाए 1850 किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश में जो लंबाई है चिनाब की 122 किलोमीटर है। विद्युत परियोजना किलाड़, थिरोट और टोडा पांगी घाटी के संसारी नाले के पास हिमाचल प्रदेश को छोड़ती हैं। यमुना नदी पाँचवीं जो है, वेदों में कालिंदी के नाम से वर्णित नदी यमुना उत्तराखंड के उत्तरकाशी नामक स्थान के कालिंदी पर्वत के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इस नदी का पौराणिक संबंध सूर्य देवता से माना जाता है। इसका जल अधिग्रहण क्षेत्र लगभग 2320 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई 1525 किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश में इसकी लंबाई लगभग 22 किलोमीटर है। यमुना नदी उत्तराखंड में गढ़वाल मंडल से प्रवाहित होते हुए हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के खोदरी मांजरी में प्रवेश करती है। यह नदी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मध्य पूर्वी दक्षिणी छोर पर सीमा विभाजक रेखा है। यमुना हिमाचल प्रदेश में 22 किलोमीटर बहने के बाद कोंताजेवाला नामक स्थान पर हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। यमुना नदी की जो सहायक नदियाँ हैं, यमुना की प्रमुख सहायक नदियाँ गिरी, पावर, पाताल तथा भाटा है। गिरी नदी का उद्गम स्थान शिमला जिला के जुब्बल तहसील के कुप्पड़ स्थान पर स्थित है। यह नदी गिरी गंगा के नाम से भी प्रसिद्ध है। चूड़दार की चोटियों से निकलने वाली पाताल नदी तथा सरस्वती खड़ इसके साथ मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है। पावर नदी का उद्गम स्थान चंद्रनाहा झील है जो चांशाल पर्वत पर स्थित है। चिड़गांव के समीप इस नदी में आंध्राखंड तथा रोहड़ू में शिकड़ी मिल जाती हैं। पावर नदी उत्तराखंड के आराकोट के पास लगभग 160 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद यमुना की प्रमुख सहायक नदी टोंस में मिल जाती हैं। यमुना नदी के मुख्य तटीय हैं, वैदिक नाम कालिंदी है, उद्गम स्थान यमुनोत्री है और जल संग्रहण ग्रहण की जो क्षेत्र है 2320 किलोमीटर है और हिमाचल प्रदेश में कुल इसकी लंबाई है 22 किलोमीटर।